महाप्रभुकर अहेतुक करुणारु सिद्धार्थ भक्तिर अभिनव प्रयास भागवत टंगी कार्यक्रम ए कार्यक्रम को आस्वादन करथिबा समस्त अगणित भक्त भाई माँ मानकु स्वागत करुची जय जगन्नाथ। ये घोर कलिजुगर उद्धार पाइबा पई भक्त मानकु उद्धार करिया पई साधु संत माने विचार करुचंती यदि समस्ते ध्वंस हेबे ताले सृष्टि रे साधु संत महात्मा शास्त्र सत्संग मठ मंदिर आश्रम ई सब रहिबो केमिति भगवान को पूजा करिवो के। तेणु साधु संत माने समस्ते एकत्रित होई नमिशरण्य क्षेत्र जाकि पहुँची गले। ताना नमिशरण्य कहीं श्रीमद भागवत बड़ सुंदर भाव कहउचंती सर्वदेवंक रम्य स्थान नामता नमिशरण्य गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद शौनक आदि मुनि गणे मिलिले नमिशरण्य गोविंद 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 बोली श्रीमद भागवत भगवान की। आज भी नमिशरण धाम साधु संत भक्त मानकु स्वागत करुचे आसिबा पई थरे देवता माने भगवान विष्णु को पाखरे प्रार्थना कले हे महाप्रभु मर्त्यु एमती कौन गोटे जगह ना जोटे आम मैंने बस टिके शांति आपण को ध्यान करिबु। भगवान विष्णु चक्र छाड़िले कले ये चक्र निमि जोटी पड़ब तुम्हें मैंने से तपस्या कर से निमि जोटी पड़ा निमि पड़ चक्रर गोटे अंशर ना हो निमि से जगार ना है नमिशारण्य जोटी सत्य युगरे मनु एवं तप सतरूपा 23,000 वर्ष तपस्या करते से ही पवित्र जगार आज सनकादि मुनि मैंने एकत्रित होती कलिजुग आसी जाऊँ संकल्प कर 10,000 वर्ष पाई ये घोर कली काल रक्षा पाइबापी आम श्रीमद भागवत महाजज्ञ आयोजन करवा जो महाजज्ञ 1,000 वर्ष पर्यंत यह चलो जो थे कि श्रीमद भागवत कथा पारायण प्रवचन सत्संग चली रही जो कथा कि भगवान कथा श्रवण कले संसार समस्त व्यथा हटिजी कारण ये संसार एकमात्र कथा हूँ भगवान कथा आउ जिते कथा सब वृथा एवं व्यथा। हरि कथार जार श्रद्धा गोविंद ताकु न लगे भव बाधा गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद गोविंद हरि कथारे रति जार गोविंद से प्राणी भव मधे सार गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद गोविंद। बोल श्रीमद भागवत भगवान की जय। कि सुंदर कथा श्रीमद भागवत भगवान कहते कहे हरि कथार जार श्रद्धा ताकू न लगे भव बाधा ये संसार भितर जे भगवान कथा शुणे ताकू आहरी कथा शुणवार आवश्यकता नहीं भव बाधा लगे जन्म मृत्यु रूपक जंजाल भितर से फसब ना हरि कथार रति जार से प्राणी भव मध्य सार जे भगवान कथा श्रवण करे ये संसार से हूँ श्रेष्ठ जीव से वेदादि शास्त्र मैंने कहती श्रीमंत सर्वे अमृतस्य पुत्रा हे अमृतर पुत्र मैंने तुम्हें मैंने शुण भगवान कथा शुणा 9 भक्ति भितर प्रथम भक्ति श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यो सख्यमात्म निवेदनम प्रथम भक्ति नवदा भक्तिर कथा श्रवण करिवा आपण माने जेमिति महाप्रभुंकर कथा शुणुचंती भागवत टंगी कार्यक्रम ए जो अभिनव प्रयास आमर सिद्धार्थ भक्ति माध्यम रे जो माने शुणुचंती केते भाग्यवान आमे माने सत्यरे जहार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे बसे साधु जे मलय पवन काष्ठकु करंती चंदन भगवानकर कथा जदि साधु संतक मुखरु श्रवण करा जाए ताहा आम जीवन कल्याण करिथाय तेणु से पीबतं भागवतम रसमालय मुहु रहो रसिका भूमि भावुका आज संत मान विचार कले आम भगवान कथा शुणा तेणु सुत मन की कण कले पूजा कले व्यास गदी में बसइले व्यासासन जमती ये व्यासासन ये आसन उपर भगवान व्यास विराजमान करुंच सुत किए सुत हो
ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରଶ୍ରବା। ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନି ବୋଲି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଥିବାରୁ ସେଇଠି ଲୋମହର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଆସନର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସେଇଠି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ, ଅନନ୍ତ, ସଂକର୍ଷଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାକ ଅଗରେ ରାଗ। ସିଏ କୁଶାଗ୍ରରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ତ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା ସଭାରେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଚକ ଯିଏ ଆମକୁ ହରିକଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଳରାମ ଆଜି ବଧ କଲେ, ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ ବଳରାମକୁ। ବଳରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ହେ ସନ୍ଥମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ କେମିତି ଆପଣମାନେ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ, ନା ଆମେ ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରାଯିବ କ'ଣ, ନା ସେଇ ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନିଙ୍କର ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ତା ବି ମୁଁ ପାରିବିନି, ନା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପିଲାପିଲି କିଛି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ସେ ତୁମକୁ କଥା ଶୁଣାଇବେ। ସେଇ ଲୋମହର୍ଷଣ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରଶ୍ରବା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନାଁ ହେଉଛି ସୁତ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାରୁ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଅମୃତମୟ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁତ। ତେଣୁ ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳ ଆବୋରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସକଳ ମୁନି ସୁଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସୁତ ମହର୍ଷି ଆଜି ବ୍ୟାସାସନରେ ଆସିନ। ଋଷିମାନେ ସମ୍ପୁଟ କରଯୁଗଳରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି ସୁତ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବୀଣ, ମାତ୍ର କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ତ କ୍ଷୀଣ, ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମନ୍ତି ହୋତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି, ଏ କଳିଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ, କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳ କାହିଁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆରଣ୍ୟକ ସଂହିତା କାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ଧର୍ମ ସାଂଖ୍ୟ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାକରଣ ଛନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଏହିସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ, ତ ଅଳ୍ପ ସାର କଥା କ'ଣ ଅଛି ଯାହା କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧୁର ହେବ, ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯୁଗ ବିଭାରେ ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ କର ଯେ ମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି, ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନେ କିଭଳି ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ମାୟାରୁ କିଭଳି ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବେ, ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି ଆପଣ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ମା ୟା ମା କହିଲେ ନାହିଁ, ୟା କହିଲେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଅଛିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଅଛି ନଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହିଁ ହେଉଛି ମାୟା। ଥରେ
भक्त सुदामा भगवान कृष्ण को पचारे कहे प्रभु आपणकर बलवती माया देखा मोर बहुत इच्छा टी मत माया दर्शन कराते भगवान कृष्ण स्मित हास्य प्रकाश कर कहले बंधु ए देख निकट गोमती नदी दाओ से गोमती रे स्नान कर आस मो माया कौन तुमको दर्शन करदेवी जमी सुदामा जा नदी में प्रवेश कर हठात नदी में बढ़ी आसीगला भयंकर बन्या सुदामा ता भितर भासी जाउचंती बचाओ बचाओ चित्कार करुचंती समय गोटे विराट गच्छ भासी जाउची से गच्छ को धरी सुदामा कौन सी प्रकार जीवन रक्षा कले गच्छटी जाई गोटे राज्य लगला सुदामा धीरे धीरे कूलकूपुर जा गोटे गच्छ आड़ुआड़े लुचिले देखिले एटा तो आम राज्य नुह हठात दूर देखिले गोटे हाथी सुना कलस धरी आसुची टमक निशाण नानादी प्रकार वाद्य बाजना बाजुची प्रहरी माने सांगरे चली ब्राह्मण माने सुस्ति वाचन करुचंती जानिपारे से हाथी जहाँ मुंड सुना कलस अजाड़ से ही से राज्यर राजा हे कहीं ना राज्यर राजा मरी जा सुदामा सुना लुचिकी थे हाथीटी आसी से गच्छ पाखे पहुँचला निजर थोर पाउडर बढ़ेक सुदाम को जबरदस्त टाणिक आंकरी उपरे ही सुना कलस अजाड़ा बा मरवा को जाऊवा सुदामा अवस्था कि परिवर्तन से देशर सी हेले राजा एकछत्रवाजी दिग्विजयी सम्राट राणी सहित मिलन है केते राजभोग पाइले सुंदर भाव प्रजापालन कले राज्य शासन कले कितु किदिन पर सुदामा गोटे घटना घटला राणी मृत्यु होगला जो राणी मृत्यु होगला से देशर गोटे नियम जदि राणी आग मरवे जुईरे राजा जीवंत शरीर को पकई दिजिव प्रहरी माने मंत्री माने पंडित माने कहले महाराज ए प्रस्तुत हो जातु आपण को वर्तमान राणी जुईरे जीवाक हम सुदामा कांदा आरंभ कले कहले मु तो तुम देश लोक नुह तुम देश नियम मो उपर कहीं लगे लागू हम समस्ते कहले महाराज आपण ये राज्यर राजा आपण राणी सहित संपर्क कले आपण समस्त राजकीय पोशाक परिच्छेद परिधान कले किंतु किमिति आपण कहुचन जे आपण को उपरे ए देशर नियम लागू होबनी शीघ्र प्रस्तुत हो जातु सुदामा भय रे कांदिले कहले ताले मते जदि नबो थरोटी अंतत से नदी कूल छाड़ मु टिके बहु भल भाव शौच होकर आसे तापर मते जुईरे पकईब सुदामा चिंता कले जो नदी में मुझे भासी भासी आसी से ही नदी में जा शौच हवा बाहन बुड़ी पुणी पलि जा बुड़ी जिते दूर निश्वास को रखा कथा प्रश्वास भाव को रखा कथा रखी जिते बहुत बाट पाने रे गति करिसेंती हठात जिते उठी देखुचंती ना सेठी राज्य अच्छी ना सेठी जुई अच्छी ना सेठी कौन सी सैनिक अच्छा जगिकी नहीं घोषारी से जुई पर पकेबाई किंतु किए थिले श्याम सुंदर हे हरि नट नागर श्याम सुंदर हे हरि नट नागर आन बीन निरद तनु की मन हरा नीरद तनु की मन हरा श्याम सुंदर हे हरि नट नागर श्याम सुंदर हे हरि नट नागर बोल श्याम सुंदर भगवान की जय सुदामा दौड़ दौड़ जाए माड़ी बसले हे कृष्ण हे केशव हे माधव मत रक्षा कर मत रक्षा कर भगवान हसी कहते सुदामा अरे कौन कहीं ये भय करुच ना प्रभु मत धरी नहीं जीवे मत से जुई पर पकईदे मारिदेवे अरे ना ना मुरा तुम पाखे अच्छे ना ये राज्य अच्छी ना ये मरबार भय अच्छी ना ये जुई अच्छी ना राणी संस्कार कार्यक्रम अच्छी हे सुदामा ए हूँ मोर बलवती माया तुम्हें बा चाहूल माया दर्शन करने एवं देख ल तो तार किसी सत्यता नहीं हाँ तुम देखा कहले बोले देखेदेली आ कौन तेणु भक्त बंधु चाहबारे माया संसार रे ए माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे
माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई भयालु काल से होई काया कु पुणी ना सई भयालु काल से होई काया कु पुणी ना सई ता माया प्रभु ता माया बुझी के न पाई रे चाहबारे माया संसार से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे बोल माया धर भगवान की भक्त बंधु आमे मैंने सुनुले भगवान किड़े मायावी से माया को अतिक्रम करने को हेले केवल मयांग जे प्रपद्यंते माया मेतां तरंतिते जे केवल भगवान को व्याकुल भाव में डाके भगवान ही तंकु से मायार उद्धार करती। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी सुंदर कथाटी कहती नाथ जीव तब माया मोहा श्री राम जय राम जय जय नाथ जीव तब माया मोहा श्री राम जय जय राम सोनिस्तर तुमार ही छोहा श्री राम जय जय राम नाथ जीव तब माया मोहा श्री राम जय जय राम वृषभ रामचंद्र की जय नाथ जीव तब माया मोहा भगवान मायारे संसार को मोहिचंती किंतु किए निस्तार पाए सो निस्तार ही तुम्हारे छुआ जे व्याकुल भाव डाके जमिति छोट छुआ माँ कौन करे पिला नकाली नानादि प्रकार खेलना दे दिए माँ माँ को बोली छुआ खेलना मजि जाए ये खेलना होची माया जितेबले खेलना को फोपाड़ी छुआ माँ माँ को ही गर्जन करे माँ कौन आर काम मन थाए तार छुआ को से कोले निए तार छाती की ठीक से ही संसार मायारे आम समस्ते मोहित जितेबले संसार तुच्छ लगे भगवान आमको आपणार लगती सबु छाड़ी आम पुणी से भगवान गुणकीर्तन लग जाए भगवान से बलियार भुज बढ़ई आमको आपणार करनी जेतोले आमे सबु छाड़ी दिए सिना से आपणार करिवे सेते पई ठाकुर अविराम परमंस कुंती आहे दिन बांधव मोते आपणार करी निया आहे दिन बांधव मोते आपणार करी निया सबु काढ़ी ले कंगाल सजाई सब काढ़ी ने कंगाल सजाई सब काढ़ी ने कंगाल सजाई सब काढ़ी ने कंगाल सजाई श्री चरण स्थान दिया मोते आपणार करी दियो आहि दिन बांधव दीन बांधव मोते आपणार करिनियो बोली श्रीमद भागवत भगवान की जय। तेणु आम मायारे जितेबले मोहित हो जाए तो सेतेबले मो घर मो संसार मो पिला छुआ यही चिंता भितर हजिगला बेले भगवान ठार दूरे जाए जितेबले सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई श्रीचरणी स्थान दियो सबुथुरु मन आसक्ति त्याग करी भगवत मुखी हो जाए से भगवान कौन करती बलियार भुजा बढ़ई आमको आपणार करनी। आज प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय सनकादि मुनि माने सुत महर्षि पचारुचंती हे महर्षि केमंते मायारु निस्तार कह संसारे प्राणी कर ये प्राणी माने किभली मायारु निस्तार पाइबे आउ जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को उद्धरी ए जीवात्मा किभली उद्धार पाइब आ भगवान कौन कर्म कले प्रसन्न हेबे आमे समस्ते कर्म करूचे मात्र कि कर्म कले भगवान प्रसन्नता हाब
से विषय शनकादि मुनि माने पचारुचंती आउरी कौन प्रश्न कले तुम्हें प्रसने जोग बड़े प्रकाश कर मही तड़े गोविंद 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 करंद की प्रयोजन जगन्नाथ देवकी उदर संभूत गोविंद 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 पदुगड़ छिम करंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की जय की प्रयोजन जगन्नाथ देवकी उदर संभूत शनकादि मुनि माने पचारुचंति हे सुत महर्षि जो भगवान जगतर नाथ जगन्नाथ जे सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वंतर्जामी सर्वकल्याण प्रद जहाँकर जन्म नहीं कि मृत्यु नाई से पुणि देवकी उदर में प्रवेश करी प्रकट होवार कारण कौन भक्तबंधु किभली भाव भगवान देवकी उदर रु प्रकट हेले एवं शनकादि मुनि माने सुत को आउ कौन प्रश्न कले आम पुणी परवर्ती पर्यायर एक कथा को आस्वादन करिबा सिद्धार्थ भक्तिर यही भागवत टुंगीर अभिनव कार्यक्रम आज आसतु ये विराम नवा जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 शरणम जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 शरण महाबाहु 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 पाही माम महाबाहु 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 शरणम महाबाहु 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 पाही माम महाबाहु 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 शरण बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीमद भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।